दरभंगा पारा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DPIM के डायरेक्टर शाहिद खान आज दरभंगा के होटल AP पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बात उन दिनों की है जब दरभंगा में अहमद अली साहब और उनके पार्टनर ने मिलकर DPIM की स्थापना की। इसके बाद इनके पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो कि इतना बढ़ जाता है और ढेर सारे इल्जाम अहमद अली पे लगाए जाते हैं और वे दरभंगा आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और DPIM पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का जबरदस्त इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आज 8 महीने बाद शाहिद खान दरभंगा में जूम ऐप पे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां उनका पहले का जो PC रहता है उसके बारे में सफाई देते हैं और बताते हैं कि लोकल इन्फ्लुएंस के वजह से मिसगाइड हो गए थे, जहां पत्रकारों ने इंटरपोल की नोटिस के बारे में भी पूछते हैं, जहां वे बात को गोल मटोल घुमाकर टाल देते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पत्रकारों की तीखे सवाल पे उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं शाहिद सलमान रहने वाला हूं और ये जो शॉर्ट नोटिस पे जो एमपीसी बुलाया गया है, कुछ मैसेजेस को आप लोगों तक डिलीवर करना था। इस इश्यू को लेके जो लास्ट टाइम हम लोगों के साथ कुछ इश्यूज आए थे 10 मंथ बिफोर, उसमें से को आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस में हमने कॉल किया कि AP करने के लिए। इसके लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अपना कीमती टाइम निकाल के बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ ज्वाइन हुए और ये फेस्टिवल के पीरियड में। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। एक्चुअली हमें कुछ मैसेज डिलीवर करना था जो हमने लास्ट 10 मंथ बिफोर हमने एक PC किया था। आप लोगों को जैसे पता है कि हम एक फाउंडर मेंबर्स ऑफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो हम लोगों ने फाउंडेशन डाला था दरभंगा में, उस सिलसिले में कुछ बातें हुई थी और हम जब वो PC 8-10 महीना पहले किए थे तो उसमें हमने बताया था कि कुछ एलिगेशन इश्यूज के बारे में। तो मैं एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के फर्स्ट ऑफ ऑल ये PC मैं किसी विदाउट विलिंगली कर रहा हूँ, विदाउट एनी फोर्स और विदाउट एनी दबाव से ये PC स्टार्टअप कर रहा हूँ और अपने मन से ये कॉल किया हूँ PC को कि आप लोग तक जो राइट मैसेज है वो पहुंचे और आप लोग तक एक राइट मैसेज दिया जाए। आप लोग जैसे पता है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन दरभंगा में हमने एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टेबल किया था। उस पैरामेडिकल स्टेबल करने में हम लोग, मैं एक फाउंडर मेंबर रहा हूँ पहले से ही, जिसके साथ भी मैं अहमद अली भाई के साथ और यूसुफ के साथ हम लोगों ने ये फाउंडेशन रखा था और उसके बाद आलम निजामी साहब भी हम लोग साथ ज्वाइन हुए थे। हम लोग चारों आदमी मिलके ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा में हम लोगों ने स्टेबल किया और उस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने यही स्टेबल करने का मंशा था कि हम एक अच्छा एजुकेशन मेडिकल सेक्टर में लोगों को दे पाए और हम अच्छा से अच्छा काम लोग करें जिससे मिडिल क्लास लोगों को और कुछ लोगों को जो फायदा हो, जिनको जरूरतमंद है, और एक अच्छा एजुकेशन हासिल हो सके लोगों को, जिसके लिए हम ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया। और हम लोग एक फाउंडर मेंबर होने की वजह से जब हम लोगों ने ये चीजों को स्टार्ट किया तो हम लोग काफी बढ़ चढ़ के काम किया और काफी हम लोगों ने काफी मेहनत किया। जितने पैरामेडिकल हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट थे और जो अहमद अली भाई और आलम जबी और यूसुफ ने, हम लोगों ने मिलकर ये फाउंडेशन को रख के हम लोगों ने इस पर काफी वर्कआउट किया। लेकिन कुछ बातें, जब हम लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप, हमारा अहमद अली भाई साहब का हमारा एक रिलेशनशिप काफी अर्सा है, 10 साल से पुराना, हम लोग एक अच्छे फैमिली रिलेशनशिप में रहे हैं और हम लोगों का जो इश्यूज, कुछ ऐसी बातें नहीं हुई थी, लेकिन कुछ बातें की वजह से हम लोग का एक मैटर सामने हुआ और हम एक्चुअली कुछ बीच में गैपिंग होने की वजह से, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में कुछ गैपिंग होने की वजह से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुआ था, जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ मिसगाइड में हुआ था लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से। तो लास्ट टाइम में मीटिंग में कि है ना, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा का कुछ सही चीज नहीं जा रहा है और वहाँ कुछ चीजें सही नहीं है और अहमद अली भाई के ऊपर जो था कि वो कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, ये सब सी बातें सामने आई। तो ये बातें सामने आई तो उस वजह से मैंने कुछ एलिगेशन और रिमार्क्स लगाए थे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर और अहमद अली भाई के ऊपर कि ये चीजें है और जो चल रही है, जो हमें मिसगाइड हुए थे हम कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से। हो सकता है ये उनका मंशा होगा कि हम कुछ चीजों को गड़बड़ करें जिससे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो और लोग उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर कुछ बाधा बने। तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से और उनकी मिसगाइड के होने की वजह से मेरा जो इश्यूज था वो हमने एलिगेशन लगाया उनके ऊपर कि आप जो कुछ यहाँ कर रहा है वो सही नहीं है और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर और अहमद अली भाई के ऊपर। जब ये सब बातें एलिगेशन लगने के बाद फिर हमारी एक डिस्कशन
पीसी के बात हुई और उन लोगों ने चीजें को क्लियर किया कि ये चीजें जो इलिगेशन है वो सही नहीं है, तो उन लोगों के मैनेजमेंट और उनकी टीम ने फिर हमें सारा कुछ क्लियर किया। ये मैसेज मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने चीजों को क्लियर किया कि नहीं, जो आपका एलिगेशन हमारे प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर लगा है और हमारे बेटे पर लगा वो गलत है और सही नहीं है, उस चीजों को उन लोगों ने डॉक्यूमेंटली हमको सपोर्ट किया कि ये चीजें सही नहीं है, आपने जो एलिगेशन लगाया वो रॉन्ग है और बेस है, इस पे हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे, आपका जो मेरे एक्चुअली उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो रॉन्ग ईमेल के एड्रेस पे दिया था, जो मेरा ईमेल एड्रेस हैक हो गया था, इस वजह से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बाद में सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दूसरे ईमेल पे दिया जो सारा क्लियर हुआ कि नहीं ये चीजें जो हमारा एलिगेशन था वो रॉन्ग है और हमने जो रिमार्क से और एलिगेशन लगाया था पैरामेडिकल से वो बेसलेस था और उसको मैं रिवॉक करना चाहता हूँ और उसे मैं हटाना चाहता हूँ, जिससे कि अहमद अली भाई और यूसुफ और आलम जाई भाई ने जो हम लोग सभी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर ने हमने जब काम स्टार्ट किया तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था पैरामेडिकल को स्टेबल करने के लिए, उस पैरामेडिकल को स्टेबल करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत किया था जिसमें सब लोगों का काफी एफोर्ट लगा है और जिसमें हम लोगों का सिर्फ यही पैश ये था मंशा था कि जरूरतमंद को एक अच्छा एजुकेशन दे और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो वहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट्स हो सके, ये हम लोगों का पैशन था दूसरे और हम लोगों ने ये चीज़ों को ऑलवेज किया है यहाँ पे। और मैं जब बैंक सऊदी में रहा था तब भी हम लोगों ने बहुत ऐसी एक्टिविटीज की जिससे हम लोगों को फायदा पहुँचाया है। इसके बाद जब हमारे बेहतर ताल्लुकात की वजह से हम लोगों ने ये प्लान दरभंगा में रखा था कि यहाँ के लोगों को बेनिफिट पहुँचाया जाए, यहाँ के लोगों को बेनिफिट पहुँचाया जाए और जब हम लोगों का ये चीजें आगे प्रोग्रेसिव होने लगा और हम लोगों ने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया और पैरामेडिकल शिप का काफी काम आगे बढ़ा, तो उस बीच के बाद जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसगाइड जो मैं एक बार फिर लिखना चाहता हूँ कि लोगों की वजह से हुआ था, लोकल लोगों की वजह से हुआ था, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला था उनके अपने होम बेनिफिट्स के लिए और उनके अपने इसके लिए मंशा के लिए कि पैरामेडिकल शुड का नाम खराब हो और उनका बिजनेस डाउन हो या उनका नाम खराब हो कि उससे उनका परफॉर्मेंस बैठ हो, तो उस चीज़ों की वजह से जो एलिगेशन द्वारा हमने मैनेजमेंट पे और मैनेजमेंट पे लगाया था उसको तो हम बेचलेस है, उसको मैं वापस देता हूँ यहाँ से और यहाँ का कुछ गलत मंशा की वजह से ही ये चीज़ें बातें आई हैं और हमारा ये मोटो है कि हम फर्दर जो भी आगे का काम है पैरामेडिकल शिप का जो उन्होंने फ्यूचर प्लान किया है या प्लान बनाया है उस चीज़ों को लेके हम चले और आगे उस इंस्टीट्यूशन का जितने भी आगे का काम है जो बच्चों को पढ़ाने का उसको लेके आगे बढ़ने का हम भी इस पे जो एज ए फाउंडर मेंबर और हम फाउंडर मेंबर है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन का और मैं फाउंडर मेंबर हूँ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का और साथ में अहमद अली जमी भाई और अहमद भाई और यूसुफ हैं, तो उन लोगों के साथ और जो मैनेजमेंट जो इतना एफोर्ट काम कर रही है उनके साथ हम लोग मिलकर फिर एक फाउंडर एक इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का काम चालू करना कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के थ्रू बीसी के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ विलिंगली विदाउट एनी फोर्स फॉर एनी वन कि ये चीजों को हम फिर स्टार्टअप कर रहे हैं और हम ये चीज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को फिर आगे बढ़ाएंगे और जो एलिगेशन हमने विदाउट यानी जो एलिगेशन जो लगाया था लोगों के ऊपर और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर जो मिसगाइड हुए थे और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको मैं रिवॉक करता हूँ और आई एम सिंसियरली एडवाइसिंग फॉर दैट कि जो मैं चीज़ों को एडवाइस करता हूँ और मेरा यही कहा था कि मैं हमेशा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए और उनके स्टाफ जितने मेहनत कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होकर काम करूं और आगे इसके लिए आगे जिस जो भी हमारा रोल होगा उस पर मैं उस पर काम करना चाह रहा हूं और करूंगा आगे बीइंग ए फाउंडर मेंबर ऑफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और मैं भी एक मेंबर हूं क्योंकि और भी डायरेक्टर हैं जो लोग उस पर काम कर रहे हैं और काफी एफोर्ट लगाए हैं, तो ये पीसी आप उनके तमाम सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल मेरा है, मैं ये सवाल करूंगा कि शाहिद अली खान साहब आप अभी भी डीपीएमआई के मेंबर हैं, अभी भी आप डीपीएमआई के पार्टनर हैं, हाँ या नहीं? मेंबर भी हूँ, शेयर होल्डर भी हूँ अभी। ठीक है, दूसरा सवाल के जो एलिगेशन आपने दरभंगा में आकर के लगाया था, तो क्या शाहिद अली खान साहब इसी एलिगेशन को रिवोक करने के लिए उनको दरभंगा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं किसी कारण से कहीं दूर हूँ, इस वजह से मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये पीसी ऑनलाइन किया हूँ कि आप लोगों तक ये मैसेज जाए और आप लोग ये चीज क्लियर हो।
और आप लोग थ्रू ये बातें आगे। चलिए हमारे दूसरे पत्रकार का सवाल लीजिए। सर हमारा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि लोकल इन्फ्लुएंस में आकर, तो आखिर वो कौन लोग थे और आप एक जिम्मेदार पद पे जिम्मेदार व्यक्ति होकर बिना तथ्यों की पुष्टि की आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके गैर जिम्मेदाराना हरकत को दर्शाता है, और वो कौन लोग थे? ये बात सही है जो आप बता रहे हैं, बात सही है कि हमें पहले तक ये कर लेना चाहिए था, लेकिन ये जो लोग सर एक सवाल है, शुरुआती जब आप शुरू किया था पीसी, आपने कहा कि मैं किसी के दबाव के बिना ये पीसी कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसा बयान तभी आता है जब आदमी पर प्रेशर होता है और वो दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि उस पर किसी का दबाव नहीं। आप ये बताओ, ये पीसी करने के लिए आप पर किसने दबाव बनाया? सब चीज क्लियर, हमारा जब सब चीज क्लियर हो गया, जब लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दिया और बताया कि ये चीजें ये कौन से ये है जो हमारा एलिगेशन था, तो फिर मैंने ये पीसी के थ्रू ही ये चाहा कि जब मैंने पीसी के थ्रू ही एलिगेशन लगाया था तो पीसी के थ्रू ही मैं इन चीजों को क्लियर कर दूं कि लोगों को जो गलत फहमी थी वो दूर हो जाए कि जो हमारा एलिगेशन ये मास्क था। चलिए अगला सवाल लीजिए। यस यस, अगला सवाल संजय जी पूछ रहे हैं। जी जी जी, साहिद साहब, जो ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट के अंदर ये पैरामेडिकल है और जिस ट्रस्ट के अंदर आप फाउंडर मेंबर भी हैं, क्या वो ट्रस्ट अभी भी बरकरार है? उस ट्रस्ट में आप शेयर होल्डर हैं और अब आप उस ट्रस्ट के जरिए जो भी संस्थाएं चालू है उसके पार्ट ऑफ रहेंगे? नहीं जी, वो ट्रस्ट अभी भी चल रही है, एक्सीलेंसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये पैरामेडिकल चल रहा है और उस पे मैं अभी भी ट्रस्ट मेंबर हूं और मैं शेयर होल्डर हूं और आगे भी ये शेयर होल्डर का काम जो चल रहा है अभी भी मैं उसी पे हूं और एज ए फाउंडर मेंबर मैं अभी भी उस पार्ट ट्रस्ट का मेंबर। सर, जो फाइनेंशियल आपने एलिगेशन लगाया था, फाइनेंशियल एलिगेशन था आपका, वो फाइनेंशियल एलिगेशन में अभी आपने कहा कि सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे फाइनेंशियल की बैलेंस शीट आपको शेयर कर दिया गया, तो अब आपका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी आपका आरोप था, वो सारा क्लियर हो गया, वो फाइनेंशियल एलिगेशन खत्म हो गया, सारा फाइनेंशियल डेटा आ गया आपके पास, सारा कुछ हमारा खत्म हो गया, सारा कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है और जो जो लाइन का इशू था वो भी क्लियर हो गया कि हम लोग ट्रस्ट के अंदर ये सारा जमीन भी दिया गया है जो आगे हमारा फाउंडर प्लान है जो पैरामेडिकल को बढ़ाने के लिए, वो सारा लोगों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और हमारे तरफ से अभी कोई एलिगेशन और रिमार्क नहीं है। सर, हमारे एक पत्रकार ने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन लोग थे जिसके इन्फ्लुएंस में आप आए तो क्यों आए, और वो कौन लोग थे, क्या आप अपने प्रेस के माध्यम से यहाँ पे उनका नाम रखेंगे? नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि है ना वो सही नहीं रहा किसी की छवि के लिए, लेकिन मैं तो पैरामेडिकल एसोसिएशन आया था अपने विजिट करने के लिए और वहाँ पे विजिट करने के लिए आया था, जिस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वही पैरामेडिकल पे, जिस वजह से ये पीसी कॉल किया गया। सर एक आखिरी सवाल, सारा कुछ क्लियर होने के बाद सब कुछ ये नहीं पीसी जो हुआ था उसमें जो एलिगेशन हमने लगाया था जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या मिसगाइड हुए थे उनको मैं क्लियर कर रहा बाद में और फिर अभी। सर एक आखिरी सवाल कि आपके एलिगेशन लगाने के बाद आपके ही पार्टनर अहमद अली ने भी आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि आपके खिलाफ इंटरपोल की नोटिस है और आप पे कई धाराओं में मुकदमा भी कई कई जगह चूंकि विदेशों में भी दर्ज है, तो क्या अहमद अली आप उस एलिगेशन को वापस लेंगे? उन्होंने बाकायदा एक कुछ सबूत भी हमारे पास पेश किया था। नहीं, उसका हमारे पास उसका उसकी कुछ उसकी कुछ कॉपी हमारे पास है। सर हमारा सवाल सुन लिया जाए कि उसकी कुछ कॉपी हमारे पास है जो आपके खिलाफ नोटिस था जिसमें बताया गया कि गिरिडीह में भी आपको पुलिस तलाश रही है, तो उस नोटिस पे अब जो अहमद अली ने मीडिया को उपलब्ध अहमद अली ने जो हमें उपलब्ध कराया, तो क्या वो भी अब इसका खंडन करेंगे? आप उनसे कहेंगे? हाँ, अगर वो ऐसा कुछ बात है तो हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे कौन सा मैटर है और हम उस चीज को क्लियर करेंगे। अच्छा शाहिद अली खान साहब, एक सवाल है मेरा, आप डीपीएमआई के जिम्मेदार हैं, एक खबर आ रही है कि दिल्ली में डीपीएमआई के ब्रांच पे फर्जीवाड़ा का धोखाधड़ी का केस हुआ है, कई अखबारों में ये छपा है। नहीं तो वो डीपीएमआई अलग होगा, हम लोगों का डीपीएमआई दरभंगा पैरामेडिकल, तो आप इसके जिम्मेदार हैं
पैरामेडिकल चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।